शिक्षकों का मेरे YouTube चैनल CK24 पे स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को असेसमेंट, जिसका टॉपिक है डिजिटल वेलनेस, इस टॉपिक पे जो असेसमेंट के क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा। ये सारे चीज जो है आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। एज यू नो दैट माय डियर टीचर्स, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइज द क्रिटिकल रोल ऑफ टीचर्स इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन बाय रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। द एनएपी परपसेस मैंडेटरी 50 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एवरी ईयर फॉर एवरी टीचर एंड स्कूल हेड। मोर ओवर द एनएपी एडवोकेट्स फॉर अ होलिस्टिक अप्रोच टू टीचर ट्रेनिंग दैट गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल मैथड। It encourages the incorporation of online blended learning modes to make professional development more accessible and flexible. ये बहुत जरूरी है सभी शिक्षकों के लिए 50 आवर्स का ट्रेनिंग। उसी ट्रेनिंग के माध्यम में आप असेसमेंट भी करते हो, तो उस असेसमेंट के क्वेश्चंस एंड आंसर इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर से जरूर सर्टिफिकेट पाएंगे और 30 में 30 आप स्कोर करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डिजिटल वेलनेस टॉपिक का नाम है, इसमें असेसमेंट आएगा और आप उसे अच्छे तरह से करके अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। डिस्क्लेमर में मैंने लिखा है, क्विज में आए सभी 30 प्रश्नों को मैंने मेमोरी बेस्ड आंसर दिया है। आपके प्रश्न आंसर इससे भिन्न हो सकते हैं या फिर समान हो सकते हैं। उत्तर देते समय आप स्वविवेक का प्रयोग करें, आपको इन आंसर से सर्टिफिकेट 100% मिलेगा। तो चलिए, आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आप कैसे आंसर करें और प्रश्न को सही सही पढ़कर ही उत्तर दें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेनेशन द इंटरेक्शन ऑफ द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड साइबर स्पेस। 4 ऑप्शन आपके पास है, आपका आंसर ये होगा। इसमें 2 है, बोथ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड साइबर स्पेस इम्पैक्ट ईच अदर। इस प्रश्न का उत्तर यही है। दूसरा प्रश्न, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम इंक्रीज फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी कॉजेस डिजिटल फैटिग्यू एंड आई स्ट्रेन इम्प्रूव स्लीप पैटर्न एनहांस कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो आंसर इसका होगा, कॉजेस डिजिटल फैटिग्यू एंड आई स्ट्रेन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिजिटल डेटॉक्स। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका आंसर होगा, ए ब्रेक फ्रॉम यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। कभी कभी आपसे पूछता है डिजिटल डेटॉक्स क्या है, तो आप यहाँ पे डिजिटल डिवाइस टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ को देकर टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल हेल्थ इम्पैक्ट। तो ये इम्पैक्ट होता है, रेगुलर मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर वेलबींग, अच्छे बनने के लिए रेगुलर मूवमेंट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेशन अबाउट टेकिंग डे टाइम नैप्स इन केस ऑफ डिस्टर्ब स्लीप। तो इसमें अप्रोप्रिएट आंसर होगा, लिमिट नैप्स टू 30 मिनट्स का नैप्स होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द ग्रुप ऑफ आई एंड विजन सिम्टम्स ऑकरिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग डिजिटल यूज कॉल। तो इसमें आप डिजिटल आई स्ट्रेन कह सकते हैं, इसे टिक कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बिहेवियर लीड्स टू कॉग्निटिव ओवरलोड एंड एनएक्सटी ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ डिजिटल पोजेशंस? तो इसमें भी आप टिक कर दीजिएगा डिजिटल हॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेक्स्ट रिलेटेड टू साइबर स्पेस द साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन कैन बी एक्सपीरियंस्ड? इसमें आप टिक कर दीजिएगा ड्यू टू एक्सेसिव टाइम स्पेंट इन साइबर स्पेस एंड टाइप ऑफ कंटेंट एक्सेस्ड इन साइबर स्पेस, ये सही आंसर होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स द स्टूडेंट कैन एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन केस दे हैव प्रॉब्लमेटिक पैटर्न्स ऑफ इंटरनेट यूज? तो इसमें ऑल ऑफ द एबव हो सकता है, चलिए देखते हैं। यस, इंटरपर्सनल इशू भी होगा, एकेडमिक होगा, फाइनेंशियल भी लॉस होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ हेल्थ? फिजिकल, मेंटल, हिस्टोरिकल, सोशल? फिजिकल के साथ हम लोग जा सकते हैं, यस फिजिकल ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प डिटेक्ट प्रॉब्लमेटिक पैटर्न्स ऑफ इंटरनेट यूज? इसमें चेंज इन इंटरेक्शन पैटर्न, रिएक्शन ऑफ एंगर, एग्रेशन व्हेन एक्सेस टू इंटरनेट इज रिस्ट्रिक्टेड, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आंसर है आपके पास, तो यहाँ पे बहुत ए एंड बी, नाइदर ए और बी, तो इसका आंसर हो सकता है बहुत ए एंड बी, इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम फॉर स्टूडेंट? तो आपके पास फोर ऑप्शन है, इंप्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस, एनहांस्ड सोशल इंटरेक्शन, इंक्रीज रिस्क ऑफ आई स्ट्रेन एंड स्लीप डिसऑर्डर, बेटर एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्स। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हमें लग रहा है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ आई स्ट्रेन एंड स्लीप डिसऑर्डर, ये इसका सही उत्तर होगा। तो हमें लगता है कि इसके माध्यम से हम लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हाट शुड बी डिस्करेज टू अचीव ए हेल्दी लाइफ स्टाइल? लिमिट स्क्रीन टाइम कर सकते हैं हम लोग? नहीं, फोकस ऑन अचीविंग ए सर्टेन वेट गोल, ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रिपीटेड हॉस्टाइल और एग्रेसिव बिहेवियर परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑन अदर्स एम टू इन्फ्लिक्ट हार्म और डिसकंफर्ट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल टूल्स इज नोन एज व्हाट? साइबर स्टॉकिंग, स्टैकिंग, साइबर बुलिंग, साइबर ग्रूमिंग, नन ऑफ द एबव। देखते हैं आंसर क्या होगा। साइबर बुलिंग, ये साइबर बुलिंग जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द बेस्ट पर्सन टू कॉन्टेक्ट इफ अ स्टूडेंट हैज ऑलरेडी डेवलप्ड एन एडिक्शन टू गेमिंग? स्कूल टीचर, पेरेंट्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, नन ऑफ द एबव। देखते हैं क्या आंसर। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, ये इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, साइबर बुलिंग प्राइमरली इन्वॉल्व्स क्या क्या? फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन, फिजिकल वायलेंस, डिजिटल हैरेसमेंट, सोशल मीडिया। डिजिटल हैरेसमेंट कर सकते हैं, देखते हैं क्या आंसर है इसका। यस, डिजिटल हैरेसमेंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन माइंडफुलनेस एक्टिविटी हेल्प इन द डिजिटल एज? By helping individual, by increasing more screen time, by promoting multitasking, by increasing online interaction, क्या हो सकता है देखते हैं। By helping individual focus on reduce stress, जब कोई बच्चा या कोई भी ज़्यादा डिजिटली एंगेज रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे माइंडफुलनेस के लिए, तो उस एक्टिविटी में हेल्प करेंगे, फोकस करेंगे और रिड्यूस करेंगे उसके स्ट्रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीप डिसरप्शन बोल सकते हैं, और इसके फोर ऑप्शन हैं आपके पास, तो इसके आंसर होंगे ब्लू लाइट एक्सपोजर नेगेटिवली अफेक्ट्स स्लीप, तो ये इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिजिटल बर्नआउट? इंक्रीज एनर्जी लेवल, इम्प्रूव कंसंट्रेशन, क्रोनिक फैटिग्यू एंड इरिटेबिलिटी।
आपको लगता है क्रॉनिक फैटिग एंड इरिटेबिलिटी सही उत्तर होगा। यस, क्रॉनिक फैटिग एंड इरिटेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। वर्क लाइफ बैलेंस क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा सेपरेटिंग वर्क एंड पर्सनल टाइम इज क्रिशियल। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सोशल मीडिया फैटिग? तो इसको बर्न आउट फ्रॉम प्रोलॉन्ग सोशल मीडिया इन एंगेजमेंट हो सकता है, पहला वाला देखते हैं। यस, पहला आंसर है बर्न आउट फ्रॉम प्रोलॉन्ग सोशल मीडिया एंगेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन टीचर्स एंकरेज ए हेल्दी रिलेशनशिप विथ टेक्नोलॉजी? तो बाय इंटरग्रेटिंग ऑफलाइन एक्टिविटीज, माइंडफुलनेस एंड पीयर ट्यूटरिंग एक्टिविटीज। सही इसका उत्तर होने चाहिए। यस, यही सही है। इस तरह से एंकरेज हेल्दी रिलेशनशिप विथ टेक्नोलॉजी कर सकता है टीचर, बाय इंटीग्रेटिंग ऑफलाइन एक्टिविटीज, माइंडफुलनेस एंड पीयर ट्यूटोरिंग एक्टिविटीज। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इंटरनेट रिलेटेड इलनेस पैरेलल्स न्यूरल मैकेनिज्म ऑब्जर्व्ड इन सब्सटेंस एडिक्शन? तो सोशल मीडिया फैट व्यू हो सकता है, डिजिटल हॉर्डिंग हो सकता है, ये दोनों में कोई और हो सकता है, और तो नहीं हो सकता। इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर नहीं होगा, तो डिजिटल हॉर्डिंग के साथ जाना चाहेंगे हम। आगे देखते हैं क्या लिखा है। यस, डिजिटल हॉर्डिंग इज द करेक्ट आंसर। नो, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इंप्रूव डिजिटल वेलबींग? आंसर, सेटिंग बाउंड्रीज फॉर स्क्रीन यूज। हाउ कैन टीचर हेल्प स्टूडेंट मैनेज देयर स्क्रीन टाइम इफेक्टिवली? प्रमोटिंग रेगुलर ब्रेक्स एंड फिजिकल एक्टिविटी। आप जब भी डिजिटल गैजेट्स यूज करते हैं तो रेगुलर ब्रेक होने चाहिए। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस क्या है भाई? बीइंग कॉशियस ऑनलाइन इज इसेंशियल। जब आप ऑनलाइन में हो तो कॉशन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल डिपेंडेंसी क्या है भाई? तो हैज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन मेंटल वेलबींग। नेक्स्ट, ऑनलाइन रिलेशनशिप क्या है? बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप ऑनलाइन इज चैलेंजिंग। एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप ऑनलाइन में बनाना एक चैलेंज के रूप में होता है। व्हाट शुड बी द लोकेशन ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन? आई थिंक दैट 15 और 20 डिग्री बिलो आई लेवल। ओके, यस, इट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटेंडेड मीडिया यूज ऑन द बॉडीज इंसुलिन? इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज सेंसिटिविटी, इंक्रीज सेंसिटिविटी। तो आंसर होगा डिक्रीज सेंसिटिविटी। नेक्स्ट, ये 30 क्वेश्चन हो गया, आप सबमिट करेंगे 30 क्वेश्चन, आउट ऑफ 30 आप गेट करेंगे। और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखेंगे थोड़ा सा आगे क्या है। यस, योर स्कोर इज 30 आउट ऑफ 30। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी कर लेना जरूरी है। सपोज दैट आप अगर अटेंड कर रहे हैं असेसमेंट क्विज को, तो वो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द 20-20 रूल? तो यहाँ पे होगा, टेक अ ब्रेक एवरी 20 मिनट, फोकस 20 फीट अवे फॉर 20 सेकेंड। देखते हैं आंसर। यस। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग मैनिफेस्ट? तो ऑल ऑफ द अबव हम लोग जा सकते हैं। यस, ऑल ऑफ द एनएक्सटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंटल हेल्थ कंसर्न एसोसिएटेड विथ इंटरनेट यूज? टेक्नो स्ट्रेस, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, डिजिटल हॉर्डिंग, इंक्रीज कनेक्टिविटी। आई थिंक दैट इंक्रीज कनेक्टिविटी इज द करेक्ट आंसर। यस, इंक्रीज कनेक्टिविटी इज द करेक्ट आंसर। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसे भी आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट, फियर ऑफ मिसन आउट FOMO इज ऑफन लिंक्ड विथ रिड्यूस सोशल मीडिया यूजेज, डिक्रीज इंटरनेट एंगेजमेंट, हाइटेंड सोशल मीडिया एंगेजमेंट, डिक्रीज NXT लेवल्स। देखते हैं आंसर क्या है। हाइटेंड सोशल मीडिया एंगेजमेंट इज द करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसिडर्ड ए की फ्यूचर ऑफ गेमिंग डिसऑर्डर एज डिस्क्राइब बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट गेमिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये क्वेश्चन पूछता ही है, तो ये सेकेंड नंबर इसका आंसर होना चाहिए। एक्सपोजर टू बी वायलेंट कंटेंट ऑन इंटरनेट कैन लीड टू इंक्रीज इन थ्रेशोल्ड टू रिएक्ट टू वायलेंस इन फेस टू फेस सेटिंग, तो ये सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेनेशन द इंटरेक्शन ऑफ द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड साइबर स्पेस। बोथ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड साइबर स्पेस इम्पैक्ट ईच अदर, लास्ट ऑप्शन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साइबर बुलिंग, फिजिकल बुलिंग इन स्कूल, बुलिंग दैट ऑकर्स ऑनलाइन और थ्रू डिजिटल डिवाइसेस, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑन सोशल मीडिया, प्लेइंग वीडियो गेम्स विद फ्रेंड। बुलिंग दैट ऑकर्स ऑनलाइन और थ्रू डिजिटल डिवाइस इज द साइबर बुलिंग। नेक्स्ट, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन प्राइमरली रिजल्ट फ्रॉम कॉन्स्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सोशल मीडिया यूजेज कैन लीड टू कंपेरिजन एंड नेगेटिव इमोशंस। नेक्स्ट, व्हाट इज डिजिटल डिटॉक्स, अ ब्रेक फ्रॉम यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, इट इज द लास्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। What is the following? Which of the following is not a dimension of mental well-being? Social isolation will be the correct answer. Yes, social isolation is the correct answer. Thanks for watching. Subscribe my channel. ये दीक्षा पे उपलब्ध है और आप ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं डिजिटल वेलनेस का। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।